वाल्मीकि रामायण में पृथ्वी की वायुमंडलीय परतें। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में जटायु और संपाति को ऊंची उड़ान भरने और अपने पंखों को जलाने का वर्णन है। संपाति ने वायुमंडल की कम से कम दो परतों का वर्णन किया है, जो इंगित करता है कि वह समुद्र तल से कम 15 किलोमीटर ऊंचा चला गया होगा। किष्किंधा कांड सर्ग 61 में संपाति और जटायु की इतनी ऊंची उड़ान का वर्णन है कि वे पृथ्वी की सतह पर शहरों को अलग अलग और अकेले एक रथ के पहिए के आकार में देख सकते थे। संपाति ने आकाशीय संगीत को कहीं देखा और सुना और कहीं आभूषणों की झनझनाहट और कहीं और लाल रंग के कपड़े पहनी हुई महिलाओं के गायन का वर्णन किया है। उन्होंने यह भी देखा कि एक जंगल पृथ्वी पर चरागाह के रूप में स्थित है। इसके अलावा वे पहाड़ की चोटियों की तरह कंकर से ढकी हुई पृथ्वी और सूत के धागों की तरह दिखाई देने वाली नदियों को भी देखते हैं। हिमालय और अन्य ऊंचे पहाड़ झील में हाथियों की तरह दिखाई देते हैं। उस ऊंचाई से परे जब वे और अधिक ऊंची उड़ान भरते हैं तो उन्हें असामान्य पसीना, थकान, भय, स्तब्धता और चक्कर का अनुभव होता है। वे दिशाओं की भावना खो देते हैं और उस ऊंचाई पर सूर्य पृथ्वी के बराबर आकार में दिखाई देता है। आज अगर कोई समताप मंडल नामक दूसरी वायुमंडलीय परत में ऊपर जाता है तो सूर्य और पृथ्वी दो विशाल ग्लोब के रूप में लगभग बराबर आकार के दिखाई देते हैं। संपाति के विवरण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उस युग के लोग जानते थे कि पृथ्वी आकार में गोलाकार है। संपाति द्वारा वर्णित मनोरम दृश्य को एक जंबो जेट से देखा जा सकता है, जो लगभग 40,000 फीट की ऊंचाई पर परिभ्रमण करता है। क्षोभ मंडल, जो पृथ्वी के स्तर से शुरू होता है और 10 किलोमीटर लगभग 33,000 फीट तक फैला हुआ है, का वर्णन सबसे पहले संपाति ने किया है। समताप मंडल नामक अगली परत में संपाति का वर्णन है कि जटायु अचानक पृथ्वी की ओर गिरने लगा और फिर उसे देखते ही संपाति ने भी अपने आप को आकाश से ढीला छोड़ दिया। संपाति ने जटायु को अपने दोनों पंखों से चिलचिलाती धूप से बचाने के लिए आकाश में छिपाने की कोशिश की, लेकिन इस प्रक्रिया में संपाति के पंख आसमान से गिरने पर पूरी तरह से जल गए। समताप मंडल क्षोभ मंडल के शीर्ष से जमीन से लगभग 50 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। प्रसिद्ध ओजोन परत समताप मंडल के भीतर पाई जाती है। इस परत में ओजोन अणु सूर्य से उच्च ऊर्जा पराबैंगनी यूवी प्रकाश को अवशेषित करते हैं। यूवी ऊर्जा को गर्मी में परिवर्तित करते हैं। क्षोभ मंडल के विपरीत समताप मंडल वास्तव में जितना ऊपर जाता है उतना गर्म होता जाता है। जैसे ही वे लगभग 15 किलोमीटर की ऊंचाई से गिरे, जटायु जनस्थान पंचवटी के पास में गिरे और संपाति किष्किंधा के दक्षिण में समुद्र के पास गिरे। जटायु और संपाति ने एक उड़ने वाली मशीन का इस्तेमाल किया होगा, जिसके पंख गर्मी और यूवी किरणों के कारण समताप मंडल में जल गए थे। जटायु के मशीनी पंख बच गए, लेकिन चिलचिलाती गर्मी और चक्कर के कारण वह नियंत्रण खो बैठे और जनस्थान पर गिर गए। जब सीता का अपहरण किया गया था तो वह कुछ समय के लिए हवा में रावण के साथ लड़े थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी मशीन के पंख और उनके स्वयं के अंग कट जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। संपाति बताते हैं कि वह पृथ्वी पर गिरने के बाद 6 दिनों तक बेहोश रहे और फिर ऋषि निष्कर से मिले, जो बाद में स्वर्ग चले गए।
वह ऋषि निष्कर संपाति को तब तक वहीं रहने के लिए कहते हैं जब तक राम द्वारा भेजे गए वानर सीता की तलाश में नहीं आते और फिर लंका के बारे में जानकारी देते हैं। संपाति का कहना है कि पक्षियों की पहली उड़ान स्थल छोटे कुलिंग पक्षियों, घरेलू गौरैयों, गीत पक्षी और खाद्यान्न पर निर्वाह करने वाले जैसे हैं। उड़ान का दूसरा स्तर उन पक्षियों का है जो कौवे और कबूतर जैसे बचे हुए खाने वाले हैं या तोते जैसे पेड़ फल खाने वाले हैं। तीसरी उड़ान का स्तर भासा, क्रौंका, कुरारा पक्षी और सारस, बगुले और इसी तरह के लुप्त होते पक्षियों का है। चौथी उड़ान का स्तर बाजों का है और पांचवा गिद्धों का है। छठा उड़ान स्तर हंसों का है जो अपनी प्रतापी जन्म से अपनी वीरता, शक्ति, सुंदरता और यौवन प्राप्त करते हैं, लेकिन सबसे ऊपर का रास्ता विनता के पुत्रों का है, अर्थात दिव्य गरुड़ और अनुरु, सूर्य का सारथी जो रोका नहीं जा सकता। चूंकि हम दिव्य गरुड़ से अपना वंशज वंश रखते हैं, हम सबसे ऊपर उड़ने योग्य पथ पर चढ़ सकते हैं और उत्सुकता से देख सकते हैं। ग्रीक पौराणिक कथाओं में जैसे उन्होंने रामायण के भ्रष्ट रूप को इलियट के रूप में अनुकूलित किया, उन्होंने इस कहानी को पिता और पुत्र डेडलिस और इकारस के रूप में अनुकूलित किया, जिन्होंने आकाश में उड़कर एक द्वीप से भागने की कोशिश की। इकारस अपने पिता की चेतावनी की उपेक्षा करता है और अंततः सूरज की गर्मी के कारण उसके पंख पिघलने के बाद समुद्र में गिर जाता है। अवतार फिल्म में विष्णु और गरुड़ से प्रेरित होकर टोरुक मक्तो और टोरुक पात्रों का निर्माण किया गया था।